नमस्ते दोस्तों, समाचार में आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। आज का जो टॉपिक्स है वो है फ्रीक्वेंसी को समझना, टू अंडरस्टैंडिंग द फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए दोस्तों, हम सब लोगों का ही तो दो कान होते हैं, खासतौर पे जो लोग साउंड इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जो लोग ऐसे एक कंसोल के सामने बैठते हैं, उनका दो कान ही मेन चीज़ होता है। हम जैसे कोई रिकॉर्डिस्ट का अपना जो दो कान है, ये दो कान हमारे लिए बेस्ट एसेट है, बेस्ट प्रॉपर्टीज है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को लेते हुए जब काम करना है, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को समझना भी हमारा फर्ज बनता है। जब तक हम लोग ठीक ठाक से फ्रीक्वेंसी को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग ठीक ठाक से ईक्यू भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मिक्स में, कोई भी प्रोडक्शन का मिक्स में, चाहे वो वॉइस ओवर हो या कोई गाने का हो या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का हो, कुछ भी आप कीजिए, लेकिन उसमें हम फ्रीक्वेंसी लेके काम करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को समझना हमारे लिए फर्ज बनता है, बहुत बहुत अच्छा मायने रखता है। इसलिए आज जो एपिसोड लेके आया हूँ, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आप देख सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना गेम है। तो जब आप इस गेम को समझ जाएंगे, ऑब्वियसली आपका मिक्स बहुत अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। इस वीडियो में हम आज फ्रीक्वेंसी को लेकर कुछ बात करेंगे और उसका स्पेक्ट्रम को लेकर कुछ बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज द स्पीड ऑफ ए साउंड्स ऑसिलेशन, जिसको हम पिच के तौर पे सुनते हैं, यानी कि सुर के तौर पे सुनते हैं। स्लो वाइब्रेशन होगा तो लोअर पिच का साउंड आएगा, और जब रैपिड वाइब्रेशन होगा तो हायर पिच का साउंड आएगा। इस वाइब्रेशन को हर्ट्स के तौर पे गिना जाता है। इसका यूनिट होता है हर्ट्स, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1000 हर्ट्ज टोन एक सेकंड में 1000 बार वाइब्रेट करता है, और इसका एक एक हिस्से को बोलते हैं 1 मिलीसेकंड पर 1 सेकंड। जब हम लोग कोई ईक्यू को देखते हैं, उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है हर्ट्ज वाला हिस्सा, दूसरा होता है किलोहर्ट्ज वाला हिस्सा। इसका मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 1 किलोहर्ट्ज तक एक रेंज होता है, और 1 किलोहर्ट्ज से लेके अप टू 20 किलोहर्ट्ज तक एक रेंज होता है। इसी हर्ट्ज को हम म्यूजिकली नोट बोलते हैं, पीच बोलते हैं, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्यून होता है ए नोट पे, तो तब देखिए उसका 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहता है, और बास गिटार का लोअर ई नोट जो है वो 41 हर्ट्ज पे ट्यून होता है। हम लोग हर तरह का फ्रीक्वेंसी रेंज देख पाते हैं, जैसे कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है तो उसका एक पर्टिकुलर फंडामेंटल रेंज होता है, और बाकी जो रेस्पॉन्स हम देख पाते हैं फ्रीक्वेंसी में वो है उसका हार्मोनिक रेंज। आपने कभी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसीज है सभी को एक लेवल पे, सेम लेवल पे प्ले करेंगे तो आपको एक नॉइस सुनाई देगा और कुछ नहीं। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। तीन टाइप का फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप सुनाएंगे, 10 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। पता कीजिए कौन सा टोन आपको ज़्यादा तेज लगता है। यहाँ पे है 1 किलोहर्ट्ज का टोन, यहाँ पे 100 हर्ट्ज, और यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज। अभी हम लोग तीन डिफरेंट टोन्स को सुनेंगे। पता कीजिए कौन सा टोन ज़्यादा सुनाई देता है आपको। यहाँ पे टोन जा रहा है 220 हर्ट्ज का, 660 हर्ट्ज, और यहाँ पे 1.76 किलोहर्ट्ज का। कि आपको 1.76 किलोहर्ट्ज का साउंड लाउडर लगा? आपको शायद ऐसा लगा होगा कि 1.76 किलोहर्ट्ज का साउंड उसका जो लेवल था वो ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों का ही लेवल बिल्कुल सेम था। तो व्हाई डिड वन साउंड लाउडर? क्योंकि हमारा जो कान है, ये कान का असर होता है 1 किलोहर्ट्ज से लेकर 4 किलोहर्ट्ज तक ज़्यादा असर होता है इसका, बाकी जो फ्रीक्वेंसी से उसका कम असर आता है हमारे कानों पे। इसीलिए जब हम लोग ईक्यू करेंगे
तो 1 kHz से लेकर अप टू 4 kHz का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है इसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी का फ्रिक्वेंसी के साथ साथ ये वाला जो मिड फ्रिक्वेंसी है ये हमको कितना असर करेगा, गाना का मिक्स कितना अच्छा होगा। आप सभी लोगों से हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, समाताली की तरफ से उन लोगों का कोई कमेंट्स का आंसर दिया नहीं जाएगा। हम लोग जानते हैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत कुछ पूछताछ करना है, बहुत कुछ जानना है, किसी के पास कुछ तरीके हैं तो वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए करते हैं। तो जब तक आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा समत ऑडियो से कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देन आप लोग कमेंट्स कीजिए ताकि आपका कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिकॉर्डिंग के बारे में तो हमसे बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, जितना हो सके आप हमारा वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि आगे के लिए और कोई अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीक में। नमस्कार।